किसान भाइयों, सोनालिका DI 35x40 कैटेगरी के साथ में इस ट्रैक्टर का माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। कई भाइयों के दबादब बहुत ज़्यादा कमेंट थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टंकी कर दी है फुल। एक बार टेस्ट कर लिया, फिर से दोबारा एक बार टेस्ट करें। कर भाई कंप्लीट। सोनालिका DI 35x40 कैटेगरी, 13 के टायर के साथ में 9 हल वाले कल्टीवेटर। क्या क्या हुआ, किया कर स्टार्ट कर, गिरा रहा है भाई। हाँ, और ये जो ज़मीन है, अगर मैं ज़मीन की बात करूँ तो नॉर्मल वाली है, रेतीली ज़मीन है, तो इसमें ज़्यादा दबाने पर क्या है कि स्लिप मारता है। 45। ओके, कर स्टार्ट। 45 सेकंड हुए हैं। सोनालिका DI 35x40 कैटेगरी डीजल सेवर यूनिट ऊपर लिखा हुआ है। कई भाइयों का कमेंट था, एक तो क्या होता है कि कई सारे ट्रैक्टरों का माइलेज टेस्ट कर चुके होते हैं, फिर भी कई भाई फिर से डिमांड करते हैं, जबकि वो वीडियो नहीं देखते हैं। काफ़ी सारे ट्रैक्टरों का हमने माइलेज टेस्ट कर दिया है, तो काफ़ी सारे ट्रैक्टरों का आपको माइलेज टेस्ट वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। कितने RPM, कितने 1500 1600 1500 1600 1600। ये जो है वो नॉर्मल ज़मीन है, हम कड़क ज़मीन पर भी टेस्ट करेंगे, और अभी कल्टीवेटर है रोटावेटर के अंदर भी टेस्ट करेंगे। दो हज़ार घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है, मतलब कि राउस तो पूरा ही हो चुका है, क्योंकि नया ट्रैक्टर जैसे ले आते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है नए में, लेकिन ये राउस वगैरह हो चुका है। 2019 मॉडल ट्रैक्टर है ये, 13 के टायर, 9 हल वाली कल्टीवेटर। सोनालिका का काफी टाइम से बाकी भी था, क्योंकि इसका अभी तक नहीं निकाला था हमने। दूसरे ट्रैक्टरों का, काफ़ी ट्रैक्टरों का निकाला, महिंद्रा मैसी वगैरह, स्वराज वगैरह, लेकिन इसका बाकी था, तो आज स्पेशली निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। और 6 मिनट पूरा चला के टेस्ट करके मैं बीच में कहीं पर भी वीडियो कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमें बीच से बेवकूफ़ बनाया। जो भी होता है वो हमें सही दिखाना है, किसानों को भी पता चलता है और हमें भी पता चलता है, हमें भी इस बात का पता चला कि कौन सा ट्रैक्टर कितना तेल ले जाए। और एवरेज के अंदर जैसे नॉर्मल ज़मीन है, कड़क ज़मीन है, तो उसमें भी डिफरेंस रहेगा। तो वो भी टेस्ट कर लेंगे, कड़क जमीन वाला अलग से निकालेंगे। तीन मिनट हुए अभी, तीन चलाना है, 6 मिनट चलाएंगे, 6 मिनट चेक करेंगे। 6 × 10, और जो तेल लेता है उसका भी दस। हमारे पास स्पेशल बोतल बनाई हुई है, इसकी माप से अलग माप से हमने बनाई थी खुद, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए, माइलेज टेस्ट करने के लिए। इसके बाद में महिंद्रा 475 का भी निकालते हैं हम, क्योंकि महिंद्रा का जैसे नया लाया था तो उस टाइम निकाला था, अभी हुआ है राउस, 1000 घंटे जितना चला है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। अभी जहां पर था वहीं पर ला करके फिर टेस्ट डालेंगे डीजल इसके अंदर। चार मिनट हुए, 1 मिनट पर हमने स्टार्ट करा था, 5 मिनट टोटल, 5 मिनट हुए।
एक बार तो हमने टेस्ट करा इसी के साथ में, कल्टीवेटर के साथ में, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा लगा, तो फिर से निकाल रहे हैं। एक मिनट और चलाना है भाई, एक मिनट चला के टेस्ट कर लेते हैं, और थोड़ा हिला के ही हम डालते हैं। जैसे तेल डाल रहे हैं तो हिला के डालते हैं, फिर टंकी फुल करके फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे पहले डालते हैं वैसे सेम टू सेम हम दोबारा डालते हैं, और जिस जगह पे डाला था तेल वहीं पर डालेंगे ताकि परफेक्ट पता चले। घुमा दे ऐसे, ले ले, उठा ले। 6 मिनट पूरे हुए, 45 पे जैसे स्टार्ट करा था चलाने को, 45 पे स्टार्ट करा था भाई। बोतल भरी है तूने? बोतल ले क्या? बस जहाँ पे था वहाँ पर रुक। कहाँ पर था ये? हाँ ये भी थोड़ा सा पीछे। ओके बस 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 ओके कर दे बंद। थोड़ा सा ऊपर गया फिर भी देख लेता। खोल जल्दी खोल। ये हमारे माप वाली जो बोतल है वो भी यहाँ पर है, DI-35 सोनालिका गुण 40 कैटेगरी डीजल सेवर यूनिट। डाल भाई। हाँ डाल डाल डाल। हाँ कंप्लीट है, कंप्लीट। ओके 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 कंप्लीट। ज़्यादा है थोड़ा, देख दो रख इधर, थोड़ा सही है। चलो देख लेंगे बताओ। ओके जैसे डाला था वैसे ही डालना है हिला के, ठीक है? अभी पता चलेगा इसका। आया हिला हिला हिला। एक बार तो हम टेस्ट कर चुके हैं लेकिन हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लगा था इसलिए दोबारा। ले भाई डाल। हिला थोड़ा, हिला हिलाया था ना यार, घबरा क्यों रहा है भाई? घबराओ मत, ऊपर हाथ रख के हिला, थोड़ा सा ऊपर हाथ रख, हिला। हाँ अब जोर। जो भी है सही सही डाल के दिखाओ। ऐसे ही हमने, नहीं नहीं हमने हिला के डाली थी ना। कंप्लीट। ओके ओके अब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आया होगा परफेक्ट, ठीक है। ये है अपना एक दो, ये रहा, ये देख सकते हैं आप, ये एक दो तीन चार, 4 लीटर बैठ रहे हैं स्वराज, और दोनों सेम टू सेम सोनालिका का भाई। 4 लीटर का एवरेज बैठ रहा है एक घंटे का, ये 400 ml लिया इसने, तो इस हिसाब से 4 लीटर का बैठ रहा है कंप्लीट। ये था सोनालिका DI-35 का माइलेज टेस्ट कल्टीवेटर के साथ में, और अभी निकालेंगे रोटावेटर के साथ में। तो भाई ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।